मेरा नाम विनोद गुप्ता है। मेरा प्रोफेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का है, जो मैं पिछले 20 साल से अपनी एक छोटी सी कंपनी रूबीकॉन लर्निंग सिस्टम चला रहा हूँ। अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करने को आगे बढ़ के आएंगे। इंसान का पहला मकसद होना चाहिए खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। अपनी देश की मिट्टी के साथ जुड़िए, हमारी जो देश के संस्कार हैं उनको समझिए और सच्चे भारतीय बनने की कोशिश कीजिए। मेरा जन्म स्थल दिल्ली है। मेरे पिताजी वैसे तो हरियाणा के रहने वाले थे, पर मेरे दादाजी हरियाणा से दिल्ली आए थे। हमारे पिताजी जिंदगी भर गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं। उन्होंने मैट्रिक पास करके, उन दिनों वाइसराय की नौकरी बोलते थे, तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर ली थी। उसके बाद उन्होंने बीए किया और भी कई एग्ज़ाम पास किए। हमारी माताजी बहुत कम पढ़ी, 5वीं तक ही पढ़ी थी, पर अच्छी तरह वो किताबें खूब पढ़ती थी और वो हाउसवाइफ ही रही। उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई बाहर का काम नहीं किया। और हम काफ़ी बड़ी फैमिली थे, हम 6 भाई बहन, 3 भाई और 3 बहन। मैं भाइयों में बीच वाला हूँ, मेरे एक बड़े भाई साहब और एक छोटे भाई साहब और 3 बहनें हैं। हाँ, बचपन में हम क्योंकि गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहे हैं तो वहाँ पे हर तरह की कंपनी होती थी। हर प्रदेश के लोग थे, तो हमारे फ्रेंड बंगाली भी थे और मद्रासी भी थे, सिख भी थे और सिंधी भी थे। तो इन सबसे दोस्ती हुई और इन सब से जो सीखा, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रस्में रिवाज सीखने को मिला। बचपन में मस्ती बहुत करी हमने। और दूसरा, मैं लोधी कॉलोनी में रहता था, लोधी कॉलोनी के फ्लैट्स में, पर मैं पढ़ने दरियागंज जाता था। तो एक रोज़ बस में जाना, बस में आना और दोस्ती करना। तो मुझे बचपन की जो यादें हैं वो काफ़ी मस्ती वाली यादें हैं कि खूब मज़े बहुत किए हमने, खेले बहुत। मैंने पहली से 5वीं तक तो लोधी कॉलोनी के NDMC स्कूल में करी, नीचे टाट पे बैठते थे, उस स्कूल से करा। 6 से 11 तक मैं दरियागंज के एक स्कूल, एंग्रो संस्कृत विक्टोरिया जुबली स्कूल है, बड़ा दिल्ली का बड़ा फेमस स्कूल है, 150 साल पुराना, वहाँ पढ़ा। वहाँ मुझे जो शिक्षा मिली उसने मुझे काबिल बनाया एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह पास करने के। उसके बाद मैंने IIT ज्वाइन करी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे को टेक्निकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने वहीं से शिफ्ट लेके कमर्शियल साइड पे शिफ्ट हो गया। और उसके बाद 7 साल काम करने के बाद मैंने सोचा मैं MBA जाके करूँगा, तो मैं इंग्लैंड जाके यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकास्टर से MBA करके आया। अगर मैं पहली जॉब से करूं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मैंने मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया था, हैदराबाद में था 3 साल। उसके बाद फिर मैं 2 साल बेंगलोर में था, हेड ऑफिस में। उसके बाद मैंने HAL की नौकरी छोड़ के यहाँ पे दिल्ली में श्रीराम पिस्टन्स में मार्केटिंग एंड सेल्स में नौकरी करी। और यहाँ नौकरी करने के बाद जब डिसाइड किया कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ छोड़ के, तो मैं इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड से आने के बाद मैं ज़्यादातर कंसल्टेंसी में रहा हूँ। 5 साल मैंने SB बिली मोरिया एंड कंपनी, विच इज़ ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, वहाँ काम किया। और 84 दिसंबर में मैंने मोदी ज़ेरॉक्स ज्वाइन की कंपनी। ज़ेरॉक्स वालों ने नई कंपनी शुरू करी थी इंडिया में, अभी शुरू ही हो रही थी। वहाँ पे मैंने 4-5-6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया। 2001 तक मैं मोदी ज़ेरॉक्स में ही था। 2001 में मैंने नौकरी छोड़ के अपनी छोटी सी कंपनी शुरू करी, मैं और मेरा एक कलीग है ब्रिज चंदे रमानी, दोनों ने मिलके एक रूबीकॉन लर्निंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करी, जिसका एरिया मैनेजमेंट डेवलपमेंट फोकस था, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी विद ए फोकस ऑन मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो वो कंपनी अभी भी रन कर रही है, हम 2 शेयर होल्डर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं और हमारा ऑफिस गुड़गांव में है। मेरी शादी 1976 में हुई थी, अरेंज मैरिज थी। तो एक कॉमन फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, मेरी वाइफ लता, वो क्वालिफिकेशन से आर्किटेक्ट हैं, मैं उनके घर उन्हें देखने गया, पसंद किया, उसके बाद हमारी शादी हो गई।
तो शादी से पहले तो काम करती थी, पर शादी के बाद उन्होंने कभी काम करने का मौका नहीं मिला। जब हमारी शादी हुई थी तब मैं बेंगलोर में नौकरी कर रहा था। हमारे दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा मानवेंद्र 43 साल का है, BBS और MBA करके अब वो अमेरिका में एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर रहा है। मेरी छोटी मतलब बेटी है शालिनी, उसने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया था और उसने एक अपने सहपाठी से ही, होटल मैनेजमेंट के सहपाठी से ही शादी करी। वो अब विकासपुरी में रहती है। हमारी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा। एक तो होता है रोकना टोकना, एक होता है जो कर रहे हैं उसको आगे प्रोत्साहन देना। जब मैं बाहर जाने की सोच रहा था, जब मेरे को एडमिशन मिल गया बाहर, तो एक दफ़े मेरे दिमाग में आया यार बहुत खर्चा हो जाएगा, इतना पैसा है नहीं, ड्रॉप कर दूँ। तब हमारी वाइफ ने इनक्रेज किया कि अगर आप MBA करना ही है, इस टाइम है, एडमिशन में मिल गया, आप जाइए, ज़रूरत पड़ी तो मैं साथ नहीं चलूँगी, मैं अकेली यहाँ रह लूँगी। तो उस तरह की इनक्रेजमेंट मिली जिसकी वजह से हम गए, पर वो भी हमारे साथ तीन चार महीने बाद वो भी ज्वाइन कर पाई हमें इंग्लैंड में। हमारे पिताजी बहुत भगवान में विश्वास रखते थे, हमारी माता जी भी, और पूजा पाठ उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे। वो सुबह भी पूजा करते थे, शाम को भी पूजा करते थे, और हमारे घर में रामचरितमानस के पाठ बहुत होते थे। तो मैं कहूँगा तो मेरा बचपन काफ़ी रामचरितमानस के बीच में बीता है। पर संस्कारी जो मिले, एक ईमानदार और एक मेहनती संस्कार, वो संस्कार ये थे कि ज़िंदगी में ऊँचा उठना है, एक तो पढ़ाई करनी पड़ेगी और दूसरी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, वरना ज़िंदगी में ऊँचे नहीं उठ पाओगे। ये संस्कार हमें अपने पिताजी और माताजी से मिले हैं। कई लोग रहे हैं पढ़ाई में, तो मैं अपने बड़े भाई साहब को, उन्होंने मुझे पढ़ाया जिसकी वजह से मेरी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। उसके अलावा मैंने स्कूल में तो टीचर थे ही जिनके मुझे प्रेरणा मिली। हमारे स्कूल के ऐसे संस्कार थे कि हम अपने गुरुओं के पैर छूते थे, तो उनमें से दो तीन टीचर ऐसे थे जिन्होंने बड़े अच्छे संस्कार दिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए, इस तरह के गुरु स्कूल में कुछ मिले हमें। उसके बाद मुझे ज़िंदगी में और कई गुरु मिले हैं। एक तो मेरा बचपन का दोस्त है हेमंत, जो मेरे साथ 10 साल की उम्र से दोस्त है, वो बड़ी डिफरेंट फैमिली से आता था, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद मुझे एक और गुरु मिले, वो कलकत्ता बेस्ड कंसल्टेंट है डॉक्टर ज़हीद गैंग जी, उनके साथ मौका पड़ा। उन्होंने मुझे जो चीज़ सिखाई कि ज़िंदगी का सबसे पहला मकसद है खुश रहना। उसके बाद जब मैंने अपना कंपनी शुरू करी तो मेरे जो पार्टनर हैं बरिचंदे रमानी, उनसे सीखने को मिला कि दुनिया में कमी नहीं है, सबके पास सब कुछ है, तो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। ज़िंदगी तो देने के लिए है, वो उनका एक मकसद है अबंडेंस मेंटालिटी, कि केक साइज इज़ नॉट लिमिटेड, देर इज़ एनफ केक गोइंग फॉर एवरीवन, सो लव टू शेयर एंड सडनली यू विल फाइंड द केक साइज हैज़ इंक्रीज्ड। मेरी वजह से किसी को नहीं मिल रहा है, ना किसी और का मुझे मिल रहा है, सबको वही मिल रहा है जो उनका हक है। तो इससे भी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी चेंज आया। कई टर्निंग पॉइंट्स मेरी लाइफ में आए हैं, मैंने बहुत सारे डिसीजन लिए अपनी ज़िंदगी में जो कि नॉर्मली नहीं लेते हैं लोग। जब मैंने इंजीनियरिंग पास करके नौकरी शुरू करी थी तो तब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं होती थी, पब्लिक सेक्टर में जाते थे। मैं पब्लिक सेक्टर में नौकरी ज्वाइन करने के बाद छोड़ दी, और हमारे पिताजी ने बहुत मना किया तब मैंने छोड़ दी। उसके बाद जब मैं पढ़ने बाहर गया तो लोग कहते थे पागल है MBA करने के लिए बाहर जा रहा है, इंडिया में इतने अच्छे कोर्सेज होते हैं, वो भी इंग्लैंड जा रहा है, लोग अमेरिका जाते हैं। तो मैं गया इंग्लैंड, उसके बाद लोगों ने कहा वहाँ पे काम क्यों नहीं किया, मैंने कहा नहीं मुझे काम नहीं करना था। तो ऐसे बहुत सारे मैंने डिसीजन लिए हैं रन ऑफ द मिल, और उस दिन की सोच से काफ़ी उल्टे थे। तो ऐसा कोई एक टर्निंग पॉइंट तो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, बट बहुत सारे छोटे छोटे मोड़ आए जिनको मैंने, जहाँ पे मुझे डिसीजन लेना था उन मोड़ पे मैंने वो पाथ चुना जो कि लोग नॉर्मली नहीं चुनते, जिसे कहते हैं रोड लेस ट्रैवल्ड। सो आई ट्रैवल्ड ऑन ए रोड विच वॉज वेरी लेस ट्रैवल्ड।
सबसे पहले चुनौती जो आई थी वो जब मैं श्रीराम में काम करता था, वहाँ पे मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, बेरोजगार हो गया। जहाँ मैं बहुत कमाता था वहाँ पे बेरोजगार हो गया और मुझे नौकरी मिलने में करीब 7-8 महीने लग गए। वो सबसे बड़ी मैं अपनी ज़िंदगी की चुनौती मानता हूँ। अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करने को आगे बढ़ के आएंगे। अकेला मत समझो अपने आप को। अगर चुनौती आई है तो उसको अकेले तो झेलना ही पड़ेगा, पर बहुत सारे लोग आपकी मदद करने को तैयार रहेंगे। तो आपको मदद मांगना, लोगों से कहना, ये भी बहुत ज़रूरी है चुनौतियों को हैंडल करने के लिए। मैं ये सोचता था कि सक्सेस बनने के लिए दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग सबसे ज़्यादा ज़रूरी, दिमाग नहीं तो सक्सेस नहीं हो सकती। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानता हूँ, तो मेरी कई बारी ये धारणा लोगों ने सही भी करी है। तो धीरे धीरे पता लगा कि सक्सेस के लिए दिमाग तो ठीक है, होना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात का है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। अगर आपको पता लग गया कि आप इस काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर तो आप अपनी हॉबी कर रहे हैं। तो सक्सेस मंत्र यही है कि आप टाइम लगाइए पता करने में कि आपको क्या अच्छा लगता है। सवेरे मैं 7-7:15 के करीब उठता हूँ और उसके बाद 8:30 से 10-10:15 तक मेरी दिनचर्या मेरी एक्सरसाइज पे जाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ, अपनी मेल वगैरह देखता हूँ और जो भी ऑफिस के थोड़े बहुत काम करने होते हैं। आफ्टरनून में मैं थोड़ा सा नैप लेना पसंद करता हूँ, करीब 1.5-2 घंटा मैं नैप लेना करता हूँ। शाम को 5 बजे फिर मैं नीचे अपने ऑफिस में जाके थोड़ा बहुत पढ़ाई करना, कोई नई चीज़ें सीखना या ऑफिस का कुछ काम हुआ तो वो करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी देखनी पड़ती हैं मुझे, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और शाम को 2-2.5 घंटे टीवी देखने का भी शौक़ है। अब तक तो मैं न्यूज़ देखता था, पर आजकल जब से आईपीएल शुरू हुआ है तो मैं रोज आईपीएल देख रहा हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है और मैं अगर इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करूँ तो मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं पूरा यूरोप घूम चुका हूँ और मैं अगर कंट्री गिनाना शुरू करूँ तो इजिप्ट और कंबोडिया और वियतनाम और जापान और इज़राइल, जॉर्डन, कीनिया, ये पिछले 7-8 साल की ट्रैवल है। हर साल हम एक रोटरी की तरफ से ट्रिप लगाते हैं बाहर का, जहाँ पे रोटरी के 15-20 मेंबर्स मिलके बाहर जाते हैं। उसके अलावा मैं हर साल अपने बेटे के पास US जाता हूँ, वहाँ से भी काफ़ी घूमता हूँ, वहाँ से भी अलास्का का टूर और वो सब किए हैं मैंने। पुराने गाने सुनना बहुत पसंद करता हूँ और गानों में मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो लगते हैं लिरिक्स। जिस गाने की वर्डिंग्स अच्छी होते हैं, जिस गाने के बोल अच्छे होते हैं, वो गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं पुराने गाने बार बार सुनना पसंद करता हूँ। जब एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ वो 1-1.5 घंटा, तब मेरा वो गाने सुनने का टाइम होता है, पुराने गाने सुनने का। मैं ज़िंदगी का अपना जो मेरा गाना है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, एक ये गाना है। दूसरा, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। मूवीज़ में मैं एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, साइंस फिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा सा ड्रामा हो, थोड़ी सी इमोशंस हो और एक्शन हो तो मुझे वो मूवीज़ पसंद आती हैं। मेरे पसंदीदा एक्टर तो दिलीप कुमार रहे हैं। हुआ क्या, उनसे एक बारी मेरे को मुलाकात करने का मौका पड़ा। एक बारी वो मेरे साथ एयरक्राफ्ट में बैठे हुए थे दिल्ली से बम्बई की फ़्लाइट में, तो मैंने करीब 2 घंटे उनके साथ गुफ्तगू की, गप्पे मारी, तो उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया मुझे उनकी पर्सनैलिटी से। उनके बाद जब उनकी ऑटोबायोग्राफी आई शेडो और सब्सटेंस, वो पढ़ी, उनके बारे में बहुत लगा। तो मेरे फेवरेट एक्टर तो दिलीप कुमार ही हैं। मैं धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मैं धार्मिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी मंदिर नहीं जाता। और मंदिर, मैं बड़े बड़े मंदिरों में भी गया हूँ, मैंने कैलाश मानसरोवर की भी करी है, बद्रीनाथ भी गया हूँ, सोमनाथ भी गया हूँ,
पर मैंने कहीं जाके वहाँ पे पूजा नहीं करी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल धार्मिक नहीं हूँ। मेरी मान्यता है कि जो कुछ होता है वो सब भगवान के करने से होता है, तो उस ढंग से मैं अपने आप को धार्मिक भी कह सकता हूँ और नहीं भी कह सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, पैशन के साथ काम करते हैं, तो एनर्जी तो ऑटोमेटिक है। जहाँ पे आपको थोड़ा ज़बरदस्ती करना पड़ता है, बेमन से करना पड़ता है, वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वरना एनर्जी तो आती है। और मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी एज के हिसाब से काफ़ी एनर्जेटिक हूँ। जिस दिन शाम को अगर मुझे लगने लगा मैं थका हुआ हूँ, तो मुझे लगता क्यों आज क्यों थका हुआ हूँ, तो थकना मेरी ज़िंदगी का मतलब वर्ड नहीं है, थकना मेरी वोकैबुलरी में है। 1999 में मुझे रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली ने स्पीच देने के लिए बुलाया था अपनी क्लब में, तो वहाँ के कुछ मेंबर्स ने मुझे कहा कि आप रोटरी के मेंबर बन जाइए, तो मैंने कहा क्या करना होगा, तो उन्होंने मेरे को फॉर्म दे दिया, मैं एक हफ्ते के अंदर रोटरी का मेंबर बन गया। उसके बाद करीब 2006-2007 में मैंने पहली बारी रोटरी को डोनेशन दिया, $1,000 दिए, और सडनली मुझे काफ़ी खुशी फील हुई, तो वहाँ से मैं रोटरी में एक्टिव हो गया और मैंने रोटरी की एक्टिविटीज़ में ब्लड डोनेशन कैंप है, पोलियो है, हेल्थ चेकअप कैंप्स हैं, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं स्कूलों में और कई जगह पे हैं, वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। उसके बाद 2011-12 में मैं अपनी क्लब का सेक्रेटरी बन गया, तो उस साल क्लब को बेस्ट क्लब, हमारी क्लब को बेस्ट क्लब अवार्ड मिल गया डिस्ट्रिक्ट का। फिर मैं 14-15 में अपनी क्लब का प्रेसिडेंट बन गया, और इस साल मैं असिस्टेंट गवर्नर हूँ एक जोन का। मेरे अंडर 5 क्लब्स आते हैं जिनकी एक्टिविटीज़ को मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो मैंने कई सारे प्रोजेक्ट किए, हमने एक लेह में, लद्दाख में एक प्रोजेक्ट लगाया था जो वहाँ की विमेन के लिए था, वहाँ की औरतों के लिए था, उनको पढ़ाना, क्योंकि वो अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ना चाहती थी और जिससे कि वो अपने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर पढ़ पाएँ। तो हमने वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, उनके साथ साथ उन्हें और भी बहुत सारी ट्रेनिंग दी, स्विमिंग करने की, उस करने की, उस तरह के काम किए रोटरी में। और रोटरी में हमने अपनी क्लब में एक स्किल बिल्डिंग सेंटर खोला है, जहाँ पे जो लोग, बच्चे लोग कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेना चाहें, जिनके पास मींस नहीं है, उनको हम कंप्यूटर ट्रेनिंग दिला के उनको जॉब दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेजर प्रोजेक्ट हैं। इसी तरह एक लड़का है फरहान, जिसकी मैं फंडिंग कर रहा हूँ, वो फ्रैंकफिन अकेडमी में कोर्स कर रहा है, उसकी फंडिंग करी है। और भी बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाई के मामले में मदद की है। कोविड के दौरान जितने हमारे सपोर्ट के लोग थे, जैसे हमारा माली है, 4 मेड्स हमारे यहाँ काम करती हैं, उनके और उनकी फैमिलीज हैं, उनको बहुत सपोर्ट करी है हमने। उनको कोशिश करी कि उनको अनाज मिलता रहे, उनको अनाज खरीद के दिया, उनको पैसे दिए एक्स्ट्रा। जैसे हमारे सामने प्रेस वाली बैठती है, उसकी तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, वो तो शायद हमारे काम भी नहीं करती, पर उसको भी एक्स्ट्रा पैसे दिए, अनाज दिए, तो उनको दिए, इंडिविजुअल को हमने अनाज और पैसे दिए, ना कि हमने किसी संस्था को जाके अनाज और पैसे दिए। मैं कहूँ कि जो मैंने अचीव करना था वो मैं कर लिया, पर मेरे सपने कुछ डोनेशंस के हैं। मैं चाहूँगा कि मैं करीब $1,00,000 तक अपनी डोनेशन दे पाऊँ। अगर मेरे को भगवान इतनी सामर्थ्य दे, तो मैं अपनी सारी जो जायदाद तो बच्चों को देना चाहूँगा, पर जो मेरे सेविंग्स हैं, जो कई करोड़ों में है, वो मैं डोनेट करना चाहूँगा। शादी के बाद तो वाइफ का रहा सबसे बड़ा सपोर्ट, और पूरी फैमिली का रहा। हमारी फैमिली बहुत क्लोज नेट फैमिली है। हमारे पिताजी जब तक थे तब तक हम अपने आप को जॉइंट फैमिली ही समझते थे, चाहे अलग रहते थे। उसके बाद हमारे भाई साहब थे, हमारे भाई साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, तो फैमिली की सपोर्ट बहुत अच्छी है। भाई बहनों की सपोर्ट जो मिली हुई है हर काम में, वो बहुत अच्छी है। एक तो संस्कार काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अपनी देश की मिट्टी के साथ जुड़िए, हमारे जो देश के संस्कार हैं उनको समझिए,
और सच्चे भारतीय बनने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा युवा पीढ़ी का एक बड़ा वो है कि उनको मालूम नहीं कि उन्हें क्या करना है। सब लोग जहाँ पे अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, उसकी तरफ ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं देखते कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो जब तक आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता लगता, तब तक आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। तो मेरा तो एक ही था कि ये पता करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। अगर उस इंटरेस्ट पता करने में एक दो साल बर्बाद होते हैं, उसको बर्बाद मत समझो, वो आपकी एजुकेशन है। क्योंकि जब हम नौकरी करने लगते हैं तो करीब 40 साल नौकरी करते हैं। अगर हम 22, 23, 24 साल की उम्र में नौकरी करें तो 65 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं, काम करते हैं। वो 40 साल इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम ऐसी जगह पे घुस गए जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम ज़िंदगी रो के गुजारेंगे। पर अगर हम ये ऐसी जगह पे काम करने लग गए जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है तो हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी हमें पता नहीं लगेगा। तो मेरी यूथ को सबसे बड़ा यही संदेश है, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट।